बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टॉपिक नंबर 12.1.2, एमएच कैरेक्टरिस्टिक्स, पेज नंबर 53। पेज 53, यूनिट नंबर 12, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। टॉपिक नंबर 12.1.2, एमएच कैरेक्टरिस्टिक्स। एमएच कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, यानी एक एमएच अगर हमारे साथ बनता है, ठीक है, तो इसके कैरेक्टरिस्टिक हमारे साथ क्या है, इसको हम किस तरह क्लासिफाई कर सकते हैं, इसको हम किस तरह डिफाइन कर सकते हैं एक इमेज को, ठीक है। तो इसके लिए फोर कैरेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है। उस फोर कैरेक्टरिस्टिक के बेस पे हम कह सकते हैं कि ये एक इमेज है, ये इस टाइप का इमेज है या उस टाइप का इमेज है, ये रियल इमेज है या वर्चुअल इमेज है, ठीक है। ऑब्जेक्ट का साइज और इमेज का साइज जो है वो एक दूसरे के साथ क्या है, सेम है, या ऑब्जेक्ट का जो साइज है वो लार्ज है या इमेज का साइज लार्ज है, ठीक है। तो ये चीज़ें क्या है, ये है इमेज कैरेक्टरिस्टिक्स, या इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितने दूरी पर है एक दूसरे से, ठीक है, कहाँ पर इमेज बन गया है, ठीक है। तो ये है इमेज कैरेक्टरिस्टिक्स, ये है आज का हमारा टॉपिक। कल हमने डिस्कस किया था रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है, ठीक है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट वो है, यानी परस करे हमारे साथ क्या है, परस करे एक लाइट आ जाए और एक मीडियम के साथ टकरा जाए, यानी एक मिरर क्या है, एक मीडियम है, मिरर के साथ टकरा जाए और बिल्कुल इसी एंगल के साथ वापस रिफ्लेक्ट हो जाए, ठीक है। यानी एक लाइट रे इस मिरर के साथ टकरा गया नया 30 एंगल के साथ। अब ये क्या है, नॉर्मल है। नॉर्मल हम कौन से लाइन लेते हैं जो कि इस मिरर के साथ 30-90 एंगल बनाएगा, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं नॉर्मल कहते हैं, ठीक है। अब इंसिडेंट रे कौन सा रे है, इंसिडेंट रे वो रे है जो कि लाइट रे आ गया इस मिरर तक, इसको हम अप्रोचिंग रे भी कह सकते हैं, ठीक है। अब ये जब मिरर के साथ टकरा गया और मिरर के साथ टकरा जाने के बाद ये दोबारा रिफ्लेक्ट हो गया, ठीक है, उसी मीडियम में, उसी पाथ में, यानी दोबारा उसी मीडियम में वापस चला गया, ठीक है, बिल्कुल सेम एंगल के साथ, इसको हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। वो यहाँ पर हम कहते हैं कि लाइट क्या हो गया, रिफ्लेक्ट हो गया, ठीक है। अब फिर हमने डिस्कस किया था लुमिनेसेंस और नॉन लुमिनेसेंस। लुमिनेसेंस वो होते हैं जिसका क्या होता है, अपना एक लाइट होता है, इसको हम क्या कहते हैं, लुमिनेसेंस कहते हैं, ठीक है। लुमिनेसेंस सोर्स, लुमिनेसेंस सोर्स में क्या क्या आते हैं, लैंप आते हैं, कैंडल आते हैं, सन आते हैं, ये क्या है, लुमिनेसेंस सोर्स है। वो सोर्स जिसके अपनी लाइट हो उसको हम क्या कहते हैं, लुमिनेसेंस, ठीक है। नॉन लुमिनेसेंस वो होता है जो कि रिफ्लेक्शन की वजह से है, ठीक है। ये बुक का पेज ले लिए, टीचिंग बोर्ड ले लिए और मून ले लिए, ये क्या है, ये हमारे साथ रिफ्लेक्शन की वजह से है, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं, नॉन लुमिनेसेंस कहते हैं, ठीक है। तो रिफ्लेक्शन हमारे साथ वाटर में भी होता है, लाइट में भी होता है, साउंड वेव्स में भी होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे साथ किस चीज़ में हम डिस्कस कर रहे हैं, लाइट में, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। फिर इसके एक खास रिफ्लेक्शन के साथ कुछ खास टर्मिनोलॉजीज अटैच है, यानी इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे वो है अप्रोचिंग रे ऑफ लाइट, रिफ्लेक्टेड रे, द रे ऑफ लाइट रिफ्लेक्ट फ्रॉम द रिफ्लेक्टिंग सर्फेस, रिफ्लेक्टिंग सर्फेस के साथ जो रे रिफ्लेक्ट हो गया है उसको हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्टिंग सर्फेस के रे। पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, जिस पॉइंट पर हमारे साथ ये रे स्ट्राइक हो गया है उसको हम क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। नॉर्मल क्या है, नॉर्मल वो लाइन है जो कि इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस के साथ 90 एंगल बनाए, इसको हम क्या कहते हैं, नॉर्मल कहते हैं। ये रेड जो नज़र आ रही है क्या है, नॉर्मल है, ठीक है। एंगल ऑफ इंसिडेंस, नॉर्मल के साथ जो इंसिडेंस रे, जो अप्रोचिंग रे आ रहे हैं वो नॉर्मल के साथ जितना एंगल बना रहे हैं उसको हम क्या कहते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस, इसको हम क्या कहते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस। और रिप्रेजेंट करते हैं हम किस चीज़ से, एंगल आई से, एंगल आई से हम इसको क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है, नॉर्मल के साथ ये रिफ्लेक्टेड रे जितना एंगल बनाए इसको हम क्या कहते हैं, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और इसको हम किस चीज़ से रिप्रेजेंट करते हैं, एंगल आर से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम किस चीज़ से,
रिप्रेजेंट करते हैं एंगल आर से हम रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे साथ लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन भी हमने काफ़ी डिटेल में पढ़ लिए थे। ठीक है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन टू टाइप्स ऑफ लॉज है। ठीक है, फर्स्ट नंबर ये किसने डिस्कवर किए थे? मुस्लिम साइंटिस्ट इब्न हैतम ने डिस्कवर किए थे। ठीक है, फर्स्ट लॉ जो हमारे साथ है वो है द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल टू द सर्फिस लाइज इन द सेम प्लेन। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल टू द सर्फिस वो क्या करेगा? लाइज इन द सेम प्लेन, एक ही प्लेन में ही होंगे, यानी हमारे साथ एक ही प्लेन का मतलब क्या है कि फर्ज करें एक मीडियम ले ली, दूसरा मीडियम ले ली, एक यहाँ पर ये हमारे साथ क्या है एयर है और एक हमारे साथ क्या है सॉलिड है, ये ग्लास क्या है पर इसका सॉलिड है हमारे साथ। ठीक है, तो ये एक ही प्लेन में होगा, यानी यहाँ पर देख ले ये जो आप लोगों को इंसिडेंट रे नज़र आ रहा है, ये नॉर्मल नज़र आ रहा है, ये रिफ्लेक्टेड नज़र आ रही है, ये तीनों क्या है एक ही प्लेन पर है। तो इसको हम क्या कहते हैं? फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। नॉर्मल इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे वो क्या करेंगे? इससे एम ही प्लेन में होंगे। ठीक है, सेकंड लॉ हमारे साथ क्या है? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इक्वल टू द एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बराबर है एंगल ऑफ इंसिडेंस के। एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी यहाँ पर जितना एंगल आया है, 30 डिग्री आया है, 40 डिग्री आया है, या उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी होंगी। ठीक है, ये है हमारे साथ लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। अब आते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। टॉपिक है इमेज कैरेक्टरिस्टिक्स के। हमारे साथ इमेज के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? तो फोर कैरेक्टरिस्टिक है हमारे साथ इमेज के। फर्स्ट नंबर जो हमारे साथ है वो क्या है? वो है मैग्निफिकेशन। ठीक है, मैग्निफिकेशन क्या है? मैग्निफिकेशन को हम किस तरह डिफाइन कर सकते हैं? मैग्निफिकेशन इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ द इमेज साइज टू द ऑब्जेक्ट साइज। द रेशियो ऑफ द इमेज साइज टू द ऑब्जेक्ट साइज, इमेज और ऑब्जेक्ट ये रेशियो ले ली। ठीक है, यानी एक ऑब्जेक्ट है हमारे साथ, उससे लाइट पास हो गया और दूसरे जगह पर या स्क्रीन पर या मिरर पर इमेज बन गया। ठीक है, अब उस इमेज का साइज ले ली। ठीक है, उस इमेज का साइज और उस ऑब्जेक्ट का साइज को का रेशियो ले ली। ऑब्जेक्ट साइज और इमेज साइज और ऑब्जेक्ट साइज की क्या करें? रेशियो ले ली। इसको हम क्या कहते हैं? मैग्निफिकेशन। जब हम रेशियो ले लेते हैं इसको हम क्या कहते हैं? मैग्निफिकेशन। रेशियो किस चीज़ के दरमियान? साइज ऑफ इमेज साइज डिवाइड बाय ऑब्जेक्ट साइज। अगर हम इमेज साइज डिवाइड बाय ऑब्जेक्ट साइज हम कर ले तो हमारे साथ क्या है? मैग्निफिकेशन। इसको हम क्या कहते हैं? मैग्निफिकेशन कहते हैं। ठीक है, अब हमारे साथ इफ द मैग्निफिकेशन इज ग्रेटर देन वन। अगर मैग्निफिकेशन ग्रेटर देन वन है, द इमेज इज लार्जर देन ऑब्जेक्ट। इफ द मैग्निफिकेशन इज ग्रेटर देन वन, अगर मैग्निफिकेशन वन से ज़्यादा है, ठीक है, तो इमेज इज लार्जर देन द ऑब्जेक्ट। तो इमेज क्या है? ऑब्जेक्ट से लार्जर है। इमेज क्या है? ऑब्जेक्ट से लार्जर है। अगर मैग्निफिकेशन वन से ज़्यादा है तो इमेज क्या है? वो लार्जर है ऑब्जेक्ट से। व्हेन व्हेन व्हिच इज इक्वल टू वन, व्हेन इट इज इक्वल टू वन, अगर हमारे साथ वन के बराबर है, अगर मैग्निफिकेशन वन के बराबर है, द ऑब्जेक्ट एंड इमेज साइज आर द सेम। ऑब्जेक्ट एंड इमेज आर द सेम साइज। ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों क्या है? एक दूसरे के बराबर है। और इमेज जो हमारे साथ आया है वो बिल्कुल ऑब्जेक्ट की तरह, यानी ऑब्जेक्ट की तरह है, बिल्कुल इमेज ऑब्जेक्ट एक दूसरे के साइज में सेम है। इफ द मैग्निफिकेशन इज लेस देन वन, अगर मैग्निफिकेशन वन है, वन से कम है, द इमेज स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। इमेज क्या है? स्मॉलर है किस चीज़ से? ऑब्जेक्ट है। इमेज क्या है? स्मॉलर है किस चीज़ से? ऑब्जेक्ट से। ठीक है, तो मैग्निफिकेशन का मतलब क्या है कि दो चीज़ों के दरमियान रेशो ले ले। अब यहाँ पर वो चीज़ क्या है? इमेज साइज है और ऑब्जेक्ट साइज है। परस करें हमारे साथ वन इमेज साइज आ गया और वन ऑब्जेक्ट साइज आ गया, तो यहाँ पर इसका मतलब ये है कि इमेज और ऑब्जेक्ट दोनों एक दूसरे के बराबर है। ठीक है, अगर हमारे साथ टू डिवाइड बाय वन आ गया, तो यहाँ पर टू डिवाइड बाय वन का मतलब क्या है कि ये वन से ग्रेटर है, तो इसका मतलब ये हो गया कि जो इमेज हमारे साथ आया है वो क्या है? वो ग्रेटर है किस चीज़ से? ऑब्जेक्ट से। ठीक है, इमेज क्या है? ग्रेटर है। इमेज का जो साइज है वो ग्रेटर है किस चीज़ से?
ऑब्जेक्ट से ठीक है, तो मैग्निफिकेशन क्या होगा, तो फिर मैग्निफिकेशन क्या होगा, लार्जर होगा ठीक है। अगर हमारे साथ मैग्निफिकेशन इज ग्रेटर देन द इमेज इज लार्जर देन द ऑब्जेक्ट, अगर मैग्निफिकेशन 1 से ग्रेटर है तो इमेज जो बन गया है वो क्या है, ऑब्जेक्ट से लार्जर है ठीक है। अगर हमारे साथ दोनों बराबर हो गया, मैंने जिस तरह एग्जांपल ले लिया, तो ऑब्जेक्ट और इमेज साइज सेम हो गए। अगर हमारे साथ 1/2 आ गया, 1/2 आ गया, तो 1 क्या है इमेज साइज है और 2 क्या है ऑब्जेक्ट साइज है ठीक है। तो यहाँ पर इमेज जो बन गया है ठीक है, वो क्या है, वो स्मॉल है किस चीज़ से, ऑब्जेक्ट के साइज से ठीक है। इमेज जो बन गया है वो स्मॉल है किस चीज़ से, ऑब्जेक्ट के साइज से ठीक है। तो ये था हमारे साथ मैग्निफिकेशन, आगे इस पर एग्जाम्पल है तो आप लोगों को समझ आ जाएगा ठीक है। अच्छा नेक्स्ट है सेकंड नंबर, द एल्टीट्यूड ऑफ एन इमेज शोज वेदर द इमेज इज ओरिएंटेड द सेम वे द ऑब्जेक्ट अपराइट और अपसाइड डाउन विद रिस्पेक्ट टू द ऑब्जेक्ट। अब हमारे साथ इमेज जो हमारे साथ बन गया है वो किस तरह बन गया है, इमेज बिल्कुल ऑब्जेक्ट की तरह है या ऑब्जेक्ट के इनवर्ट है या अपसाइड डाउन है ठीक है। तो फिर इसको हम क्या कहते हैं, एल्टीट्यूड कहते हैं। एल्टीट्यूड क्या है कि इमेज साइज है ठीक है, कि इमेज जो है वो हमारे साथ ऑब्जेक्ट के साइज के बराबर, हाँ बिल्कुल ऑब्जेक्ट की तरह बनाया गया है ठीक है, या ऑब्जेक्ट के इन्वर्ट हो गया है या ऑब्जेक्ट के अपसाइड डाउन हो गया है, यानी इमेज जो बन गया है वो इन्वर्ट बन गया है, तो इसको हम क्या कहते हैं, एल्टीट्यूड कहते हैं ठीक है। द इमेज लोकेशन और पोजिशन इज द डिस्टेंस बिटवीन द इमेज एंड द ऑप्टिकल डिवाइस। अब लोकेशन या इमेज पोजिशन क्या है, ऑब्जेक्ट या मिरर से लेंस तक, या मिरर या लेंस ले ले या ऑप्टिकल डिवाइस ले ले ठीक है। द डिस्टेंस बिटवीन द इमेज एंड द ऑप्टिकल डिवाइस, ऑप्टिकल डिवाइस से लेकर इमेज तक जो डिस्टेंस है इसको हम क्या कहते हैं, इमेज लोकेशन कहते हैं। ऑप्टिकल डिवाइस से लेकर इमेज तक जो डिस्टेंस है इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं लोकेशन और पोजीशन ऑफ द इमेज, लोकेशन और पोजीशन ऑफ द इमेज। जो फोर्थ नंबर है वो है हमारे साथ टाइप ऑफ इमेज ठीक है, कि इमेज जो हमारे साथ बन गया है वो आया रियल है या वर्चुअल है, इंडिकेट वेदर द इमेज इज रियल और वर्चुअल ठीक है। टाइप्स ऑफ इमेज है ठीक है, कि इमेज हमारे साथ रियल बन गया है या इमेज हमारे साथ क्या बन गया है, वर्चुअल बन गया है ठीक है। अब रियल इमेज क्या कब होगा और वर्चुअल इमेज क्या कब होगा, एंड इमेज इज रियल इफ द लाइट रे और एक्चुअली कन्वर्ज एट ए पॉइंट देन कंटिन्यू ऑन बियॉन्ड द पॉइंट एंड डाइवर्जिंग ठीक है। इसका मतलब क्या है, इमेज एंड इमेज इज रियल, एक इमेज तब रियल होगा इफ लाइट रे आर एक्चुअली कन्वर्ज एट एन पॉइंट, अगर लाइट रे हमारे साथ क्या हो जाए, एक लाइट पे कन्वर्ज हो जाए, एक लाइट पे फोकस हो जाए, एक लाइट पे क्या हो जाए, फोकस एक सॉरी एक पॉइंट पे फोकस हो जाए, लाइट रे एक पॉइंट पर फोकस हो जाए, तो उस इमेज को हम क्या कहते हैं, उस इमेज को हम कहते हैं रियल इमेज। किस तरह फोकस हो जाए, नेक्स्ट हमारे साथ आ जाते हैं स्पिरिकल मिरर में हम पढ़ लेंगे ठीक है, इसके टर्मिनोलॉजी स्पिरिकल मिरर में हम पढ़ लेंगे कि लाइट किस तरह फोकस होता है, प्रिंसिपल एक्सिस क्या है, ये सारे हम डिटेल में पढ़ लेंगे ठीक है। लेकिन यहाँ पर सिर्फ अपने जहन में ये पॉइंट रख दीजिए कि रियल इमेज तब होगा जब लाइट हमारे साथ एक पॉइंट पर कन्वर्ज हो जाए, यानी एक पॉइंट पर फोकस हो जाए, इसको हम क्या कहते हैं, उस टाइप ऑफ इमेज को हम क्या कहते हैं, उस जो टाइप ऑफ इमेज को हम कहते हैं रियल इमेज ठीक है, उस टाइप ऑफ इमेज को हम क्या कहते हैं, रियल इमेज कहते हैं ठीक है। अब अगर हम यहाँ पर स्क्रीन लगाए, इन अदर वर्ड्स इफ यू प्लेस स्क्रीन ऑन द इमेज पोजीशन द इमेज वुड अपेयर ऑन द स्क्रीन, व इमेज वुड अपेयर ऑन द स्क्रीन। अगर हमारे साथ जहाँ जिस पॉइंट पर इमेज बन गया है वहाँ पर अगर हम एक स्क्रीन लगा ली, यानी पेज लगा ली या कोई और चीज़ लगा ली ठीक है, और ये लाइट वहाँ पर इमेज बन जाए, उस पेज पर हमारे साथ क्या बन जाए, इमेज बन जाए, तो फिर हमारे साथ क्या होगा, वो रियल इमेज होगा। यानी परस कर ये सिंपल ये ले ले ठीक है, ये मिरर ले ले ठीक है, ये लाइट रे यहाँ पर आ गया ठीक है,
अब ये दूसरा लाइट रे भी यहाँ पर आ गया, तीसरा भी आ गया, यहाँ पर एक लाइट फोकस हो गया, एक इमेज बन गया। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, इस पॉइंट को यानी इस इमेज को, फिर तो इसको हम कहते हैं जब लाइट एक पॉइंट पर फोकस हो जाए स्क्रीन पर। ठीक है, तो उसको हम फिर कहते हैं रियल इमेज, फिर इसको हम क्या कहते हैं रियल इमेज। अब अगर इमेज रियल नहीं है, इफ एन इमेज इज नॉट रियल इट इज वर्चुअल, वर्चुअल का मतलब क्या, हयाली। इफ यू प्लेस स्क्रीन एट द पोजिशन ऑफ वर्चुअल इमेज, प्रेस करें एक पॉइंट पर इमेज बन रहे वहां पर हम स्क्रीन रखते, तो वहां पर लाइट फोकस नहीं होता, तो इसको फिर हम क्या कहते हैं उस इमेज को, फिर हम कहते हैं वर्चुअल इमेज। नो नथिंग वुड अपेयर ऑन द स्क्रीन, स्क्रीन पर कुछ भी अपेयर ना हो जाए तो फिर इसको हम क्या कहते हैं, इसको फिर हम वर्चुअल इमेज कहते हैं। दियर आर नो लाइट रे एक्चुअली कन्वर्ज ऑन द इमेज पोजिशन, जिस तरह मैंने आप लोगों से कह दिया, प्रेस करें यहाँ पर ये स्क्रीन है, इस स्क्रीन पर ये लाइट कन्वर्ज नहीं होता, एक पॉइंट पर फोकस नहीं होता, बल्कि डाइवर्ज होता है, किसी और डायरेक्शन में चले जाते हैं, तो फिर उसको हम क्या कहते हैं, उस इमेज को हम कहते हैं डाइवर्जिंग इमेज और वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज हम उसे क्या कहते हैं, वर्चुअल इमेज कहते हैं। ठीक है, लाइट रेज ओनली अपेयर ऑन एज दो दे आर डाइवर्जिंग एट द इमेज लोकेशन, और लाइट हमें इस तरह नजर आते हैं कि ये क्या हो गया है, इमेज पॉइंट से क्या हो गया है, डाइवर्ज हो गया है, इमेज पॉइंट से क्या हो गया है, इमेज पॉइंट से डाइवर्ज हो गया है, तो उस टाइप ऑफ इमेज को हम क्या कहते हैं, उस टाइप ऑफ इमेज को फिर हम कहते हैं वर्चुअल इमेज। दिस विल बिकम मोर क्लियर एज यू कल, जब आप लोग क्लास 9, ग्रेड 6, ग्रेड 7 और ग्रेड 8 में आप लोगों ने रे डायग्राम पढ़ लिया था, अगर वहाँ पर आप लोगों के साथ वो बुक है वो स्टडी करें, तो आप लोगों के जहन में वो पूरा डिटेल आ जाएगा इंशाल्लाह। मिरर इक्वेशन या पर और ये रे ट्रेसिंग डायग्राम पर जब हम पढ़ लेंगे, तो वहाँ पर आप लोगों को खुद ब खुद ये क्लियर हो जाएगा कि हमारे साथ लाइट किस तरह एक पॉइंट पे फोकस होता है, या लाइट किस तरह डाइवर्स होता है। ये कनकेव कन्वेक्स मिरर में भी हम पढ़ लेंगे, ठीक है, स्फेरिकल मिरर में भी हम पढ़ लेंगे, ठीक है, तो आप लोगों के जहन में आ जाएगा। लेकिन अपने जहन में ये पॉइंट याद रखिए कि जब लाइट हमारे साथ एक पॉइंट पर कन्वर्ज होता है, तो वहाँ पर जो इमेज बन रहे वो रियल है, अगर हमारे साथ लाइट एक पॉइंट पर कन्वर्ज नहीं होता, डाइवर्ज होता है, तो फिर वो हमारे साथ क्या होगा, वर्चुअल इमेज होगा। ठीक है, थैंक यू सो मच काइंडली, जिस पॉइंट में भी मसला हो प्लीज़ कमेंट कीजिए।